हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक और बेहतरीन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक लर्निंग की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ताकि सभी नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलते रहे। यहां पे जैसा आपने थंबनेल पे देखा, हम बात करने वाले पुलबैक्स की। जी हां, पुलबैक। हम हमेशा ट्रेड तो ले लेते हैं, पर ट्रेड कहां लेना चाहिए, सही समय क्या है, करेक्ट एंट्री क्या हो सकती है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें होती है गाइस। एक तो हम किसी चीज के पीछे चेज करते हैं, मतलब बस भाग रही है, भागती बस के पीछे चढ़ेंगे, उसको लटक के पकड़ तो लेंगे अगर हम एथलीट हैं। पर 90% ऑफ द टाइम अगर आप एथलीट नहीं है या अगर आपका एक्सपीरियंस सही नहीं है तो आप गिर सकते हैं, दैट कुड बी फेटल। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी, अगर आप स्टॉक को चेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो फेलियर के चांसेस या लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दूसरा तरीका रहता है पेशेंस का, मतलब आपको पुल बैक पे वेट करनी है कि वापस बस रुके स्टेशन पे, उसके बाद कहीं जाके उसमें सवार हो। वैसे ही यहां कौन सा पुल बैक स्टेशन होता है स्टॉक्स में, हमें चेज करना चाहिए, पुलबैक करना चाहिए, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो हम इस वीडियो में बात करें पुलबैक्स की, पुलबैक्स कहां करने चाहिए, कौन सी सही री एंट्री हो सकती है या कौन सी एंट्री हो सकती है, इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल कौशिक। 20 साल से स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ हूं। पिछले 5 साल से 5000 से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और बहुत ही जल्दी हमारी मास्टर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो उनकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल पे बने रहें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पुलबैक्स होते क्या है, पुलबैक्स कहां हमें एंट्री करनी चाहिए और कहां पे हम रिस्क रिवार्ड रेशो कितना तय करना चाहिए, कहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहां पे स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। चलिए समझते इस वीडियो में। अपना पेन पेपर उठा लेते हैं और अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं, स्टॉक्स पाठशाला स्टार्ट करते हैं। जी हां, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर में और उठा लिया है मैंने अपना पेन और पेपर। जब कोई स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर होता है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो स्टॉक वापस रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो दीज आर दी पुलबैक्स। पुलबैक्स, यहां से स्टॉक वापस पुलबैक करता है। तो क्या ये इतना आसान है इन पुलबैक्स को ट्रेड करना? जी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट क्या हम इन पुलबैक्स के नियर, इसके आसपास इसको कंफर्म करके अगर हम ट्रेड कर पाए तो हमारी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो पुलबैक इज नथिंग कि जब प्राइस वापस से रीटेस्ट करने के लिए आता है और वहां से एक रैली बनाता है, उसको हम पुलबैक कहते हैं। तो स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। दीज जोन्स, दीज एरियाज आर कॉल्ड दी पुलबैक्स। ऐसे ही जब स्टॉक गिर रहा होता है और ऊपर नीचे जा रहा होता है तो दीज एरियाज आर कॉल्ड दी रिवर्सल पॉइंट्स। तो पुलबैक्स का मतलब है कि वापस पुलबैक हुआ, कंफर्म किया क्या सही पुलबैक है, वहां पे प्राइस में या तो बाइंग करेंगे या हम सेलिंग करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर में। पुलबैक समझ में आ गया होगा, रियल चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि पुलबैक कहां करना चाहिए और किस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है, कौन सी चीजें हमारे टूल बन सकती हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है स्ट्रेटजी में। दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी के लिए कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस के लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। यहां रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मैंने दो मूविंग एवरेज इस्तेमाल किए, दो मूविंग एवरेजेस, वो भी एक्सपोनेंशियल। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहां पे हम वेट करेंगे कहां पे एंट्री करनी चाहिए कहां नहीं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज बने रहे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। देखिए पसंद आ रही तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या कहती है। अब यहां कौन कौन सी मूविंग एवरेज है पहले वो समझ लेते हैं। हमने यहां पर दो मूविंग एवरेज प्लॉट करनी है, वन विल बी 50 EMA एंड सेकेंड विल बी 20 EMA। रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए पहले काम कैसे करेंगे। एक रहेगी हमारी 20 EMA और एक रहेगी हमारी 50 EMA। तो अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हैं तो हमें इन दोनों के क्रॉसओवर को देखना होगा। किसको देखना होगा? क्रॉसओवर को। क्रॉसओवर अपसाइड में होगा तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, क्रॉसओवर सेलिंग साइड में होगा तो सेल का ट्रेड लेंगे। बट हम ट्रेड लेंगे सिर्फ पुल बैक्स पे, पुल बैक्स के बिना हम कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। चलिए हम करते क्या है, पहले हम हाइड कर देते हैं 20 डेज की ईएमए को। तो सबसे पहले हमको लगाना होगा 50 डेज की ईएमए को। यहां पे जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा वन डे का। हम बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री देखेंगे कि क्या बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ हो रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हमारी कंडीशंस मीट कर रही है तो एंट्री लेने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो हमारा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो सकता है, जो आपको पसंद आए छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे वन डे और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना यूज कर सकते हैं, बट वन डे पे उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस ब्लैक लाइन, ब्लैक मूविंग एवरेजेस हमारे 50 डेज EMA। यहां पे कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स शुड क्लोज अबव 50
ईएमए, 50 ईएमए के ऊपर में तीन कम से कम कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए ताकि मैं इस स्ट्रेटजी को बिलीव कर सकूं और फिर जाके छोटे टाइम फ्रेम पे इसको चेक करने की कोशिश कर सकूं। चलिए देखते हैं कि अगर हम इस टाइम फ्रेम की बात करने की कोशिश करें, इस जोन की बात करें, तो क्या हमें तीन क्लोजिंग मिल रही है? हमें मिल रही है एक क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग, तीसरी क्लोजिंग। तो यहां पे हमको तीन क्लोजिंग मिल जाती है। तीन क्लोजिंग जैसे हमको मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि ये हमें 50 ईएमए के ऊपर हमें तीन क्लोजिंग मिल रही है, तो यहां पे हम इसमें बाय करने के लिए शायद तैयार है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे चलेंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में हम अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है 4 आवर्स पे भी चल रहे हैं, यहां पे 20 डेज की मूविंग एवरेज को भी हम लगा लेंगे। तो अगर हम पैसे टाइम को अगर क्रॉस चेक करें, किस टाइम की हम बात कर रहे थे, दोबारा से डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं कि ये क्रॉसओवर, अगर इस क्रॉसओवर की हम बात करें जहां पे हमको तीन पोजीशंस मिली हैं, तो दिस इज अ टाइम अराउंड 9th and 10th अगस्त, 9th अगस्त के आसपास का टाइम है। तो 9 अगस्त के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर में, क्योंकि वहां हमको एंट्री मिल रही कि नहीं। देखिए नीचे टाइम आ रहा है 12 अगस्त के आसपास में, ये 9 अगस्त 12 अगस्त, ये एग्जैक्टली यही हमारा जोन था जो हमको मिल रहा था। अब यहां पे देखिए जो क्रॉसओवर हमको, जो एंट्री हमको बड़े टाइम फ्रेम पे मिल रही थी 50 ईएमए के ऊपर, हमें कंफर्मेशन मिल रही थी यहीं पे, यहाँ पे एक हमारा अब ये बुलिश क्रॉसओवर हमें यहां मिलता दिखाई दे रहा है। अब यहां पे एंट्री कब करनी है, एंट्री करने के दो तरीके हैं, या तो इस क्रॉसओवर के ऊपर में आप ट्रेड कर सकते हैं, या आप जब वो प्राइस रीटेस्ट करने के लिए है तब आप काम कर सकते हैं। रीटेस्टिंग का क्या मतलब है, देखिए यहां पे जब उसकी एंट्री अपसाइड में हो गया है, स्टॉक ऊपर की चाल लेना स्टार्ट किया है, वो रीटेस्ट करने के लिए 20 ईएमए के ऊपर रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तो 20 ईएमए विल बी अ रीटेस्ट। 50 ईएमए को क्रॉस किया, बुलिश क्रॉसओवर मिल गया, तो हम कहीं ना कहीं तैयार हैं कि हाँ यहां से बाइंग हो सकती है। तो वो रीटेस्ट करने के लिए 20 ईएमए के ऊपर आता है, अब बाय कर सकते हैं। अगर आप यहां से ये बस आपकी छूट जाती है तो फिर से वो 20 ईएमए के ऊपर आता है, यहां पे आपकी फिर दोबारा से री एंट्री बनेगी। अब बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 50 ईएमए से ऊपर है प्राइसेस, अबव 50 ईएमए, और यहां पे रीटेस्टिंग आपको फिर से मिलती है, फिर से एक आपको स्विंग मिल जाता है। अगर इसको हम आगे जाके देखने की कोशिश करें तो आगे में क्या हो रहा है गाइस, आगे में प्राइस ने एक सेलिंग क्रॉसओवर देना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे 50 ईएमए ऊपर है और 20 ईएमए हमारी नीचे में। तो यहां पे फिर वही सिनेरियो चलेगा, हम यहां से फिर अपने डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे, क्या डेली में हमें कोई बियरिश क्रॉसओवर मिल रहा है? जी हां, डेली में हमको एक बियरिश क्रॉसओवर मिल रहा है। बेसिकली प्राइस 50 ईएमए के नीचे क्रॉस हो रहा है, कम से कम 3-4 कैंडल्स आप देख सकते हैं यहां पे, बंच ऑफ कैंडल्स है जो 50 ईएमए के नीचे चल रहा है। तो दिस इज द प्राइस जोन जहां पे हम एंट्री कहां लेंगे, एंट्री हमारी लेंगे 50 ईएमए और 20 ईएमए के क्रॉस बिलो के, क्रॉसओवर डाउन साइड का है पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहां पे आप इसमें सोच सकते हैं एंट्री करने के लिए, राइट। तो यहां पे बेसिकली अगर हम टाइम को देखने की कोशिश करें, टाइम क्या मैच कर रहा था, वापस से टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं कि ये टाइम कौन सा था ताकि हम इसको वैलिड कर सकें, वेरीफाई कर सकें। तो दिस इज द टाइम ऑन 1st ऑफ दिसंबर, 1st दिसंबर के आसपास में हमको एक क्रॉस बिलो मिलने की कोशिश हो रही है। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे 1st दिसंबर में अगर हम जाएं, तो दिस इज 1st दिसंबर गाइस, दिस इज 1st दिसंबर, लाइक दिस इज द टाइम। अब यहां से मतलब मोटा मोटा प्राइस इज वॉज ट्रेडिंग अराउंड 2500, और 2500 से ये प्राइस यहां तक जो आया था, दिस वॉज अराउंड 2280, तो कितना अच्छा स्विंग आपको मिला है 2500 से लेके 2280 के आसपास में। गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जाके बैक टेस्ट कीजिएगा, किसी भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली बिलीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को लर्न करना ही होगा, लर्न करने के साथ साथ में उसको जब तक आप शिद्दत से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट नहीं देगी। कोई भी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं होती, कोई भी 100% नहीं होती है, बट अगर कोई भी स्ट्रेटजी 80-90% रिजल्ट दे रही है तो वो बहुत अच्छी है, उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉसेस कहां लगाएंगे, जो स्विंग के हाई रहेंगे, स्विंग के हाई और स्विंग के लो, ये हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, और रिस्क रिवार्ड रेशियो आप ले सकते हैं 1:2 का। मतलब अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 20 पॉइंट्स का आप टारगेट ले सकते हैं, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाए तो 40 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, या आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो तय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस एंट्री अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो हमारी क्या क्या कंडीशंस रही, हमारी कुछ कंडीशंस रही, चलिए कैनवास को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, चलिए कैनवास को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं हमारी कंडीशंस कौन कौन सी है, ब्रश अप कर लेते हैं वीडियो को ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। पहला है हमारा 50 ईएमए, दूसरा है हमारा 20 ईएमए, तीसरा क्या है हमारा 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोजिंग अबव 50 ईएमए, चेक ऑन 1 आवर, ट्रेड ऑन
फोर आवर या जो भी आपको टाइम समझ में आता है राइट, ठीक है। और ये आप सिर्फ और साथ में क्रॉस ओवर्स, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहेगी, रिस्क रिवार्ड है हमारी 1:2। स्टॉप लॉसेस क्या है, स्विंग के हाई या लो। दिस स्ट्रेटेजी इज समड अप हियर। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक प्रेस कर दीजिए अभी, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज आपके लिए आने लिए। स्टॉक मार्केट अथाह समुद्र है, जितना मर्जी आप सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा सीखने का मन करेगा। तो गाइस अगर प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी क्लासेस अनाउंस होने वाली है, चैनल पे बने रहें, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट रखें, और नॉलेज पे सबका अधिकार है, दोस्तों से शेयर करना ना भूले। कमेंट बिलो इफ यू लाइक द वीडियो, अगर नहीं भी पसंद आया तो क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है प्लीज लिख दीजिए, इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके एक एक कमेंट को पर्सनली रीड करता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।